आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान की जयपुर मंडी में चने के भाव में 50 रुपए की तेजी रही है। इसके बावजूद रेट में 3 साल में सबसे कम ये रहे हैं। मंडी में चना 4500 से 4600 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। पंजाब सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला किया है। अब सरकार धान और गेहूं की तरह मूंग की फसल भी एमएसपी पर खरीदेगी। सरकार ने कहा है कि किसान मूंग के बाद धान की 126 और बासमती की फसल लगा सकते हैं। केरल और कर्नाटक में अदरक उत्पादन करने वाले किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल रहा है। किसानों ने अदरक की खुदाई नहीं की है क्योंकि इस बार अदरक की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है। वायनाड में अदरक का फार्म गेट मूल्य सिर्फ 1000 रुपए से 1100 रुपए प्रति बैग रह गया था। नींबू फिर से अपने पुराने लेवल पर लौटता दिख रहा है। इस समय दिल्ली की मंडियों में नींबू के भाव गिरने लगे हैं। बताया जा रहा है कि मंडी में नींबू की अधिक गाड़ियां पहुंचने लगी हैं। जैसे ही कर्नाटक के बीजापुर में बारिश शुरू होगी इसके दाम और घटेंगे। दिल्ली में नींबू अब 50 से 100 रुपए तक आगे। खाने के तेल जल्द सस्ते हो सकते हैं। इसके लिए सरकार कच्चे पाम तेल के आयात पर कृषि इंफ्रा और डेवलपमेंट सेस को 5% से कम करने पर विचार कर रही है। ये कटौती कितनी होगी अभी स्पष्ट नहीं है। नेचुरल गैस की कीमतें 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस की कीमतें 680 के ऊपर 2% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करते दिखाई दी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस की कीमतें $8.8 पर कारोबार करती दिखाई दी। अमेरिकी गैस की कीमतें भी रिकॉर्ड हाई पर बनी हुई है। गन्ने का रकबा और बेहतर रिकवरी के कारण देश में इस बार चीनी का उत्पादन बढ़ा है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में इस साल अब तक चीनी का 132.6 लाख टन रिकॉर्ड उत्पादन हो चुका है जबकि अब भी राज्य में पेराई चालू है। पंजाब में गेहूं खरीद की सरकारी प्रक्रिया पर विराम लगना शुरू हो गया है। इसको लेकर पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राज्य की 100 से 150 मंडियों को बंद करने का फैसला लिया है। चालू रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान खुली मंडी में गेहूं की खरीद हो रही जो खरीद है वो सोने पे सुहागा का काम कर रही है। उपज को लाभकारी मूल्य मिलने से जहां किसानों की झोली भरी है वहीं खाद्य सब्सिडी घटने से सरकारी खजाने का भार कम हो गया है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से राहत जारी है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-2 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड हुआ है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD के अनुसार दिल्ली में शनिवार से मौसम साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं 9 मई तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाने की संभावना है। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।